नमस्कार दोस्तों, शान बुटीक में आज आपका स्वागत है। आज हम आपको सिंपल सूट की कटिंग दिखाएंगे। पहले आप नाप तैयार देखिएगा, 41 इंच लंबाई, 20.5 इंच सीना, 18.5 इंच कमर, 21 इंच हिप, 6 इंच बाजू, बाजू की मोरी 12.5 इंच, एफ 7.5 गला आगे का, बी 5.5 गला पीछे का। अब इस नाप के अनुसार हम आपको सूट काट कर दिखाएंगे। देखिएगा दोस्तों, यहाँ से हम जो नापेंगे 41 इंच सूट की लंबाई नापेंगे, तो 41 इंच में 41.5 इंच हम करेंगे सूट की लंबाई। 41 इंच तैयार है, आधा इंच हम जो रखेंगे मार्जिन एक्स्ट्रा, वो इसलिए होता है कि अगर जब कंधी की हम जुड़ाई करते हैं तो उसमें चला जाता है। उसके बाद 41 इंच लंबाई के बाद हम 6.5 इंच आरमोल रखेंगे, आरमोल 6.5 इंच। उसके बाद कमर जो होती है वो 14.5 इंच पर होती है। देखिएगा 14.5 इंच पर कमर। उसके बाद तीसरा निशान जो हम लगाएंगे वो हिप का होगा, यानी ये हिप का निशान है, चाक यहाँ से खुलते हैं हमारे। उसके बाद हम इन तीनों निशानों को सीधा करेंगे। देखिएगा दोस्तों, इन चारों निशानों को हम इस प्रकार सीधा करेंगे। ये हमारे निशान सीधे हो गए। और उसके बाद हम जो तीरा का निशान लगाएंगे, हमारा गला आगे का 7.5 है और पीछे का 8.5 है, तो इसमें हम गले का जो तीरे का निशान जो लगाएंगे वो 12 इंच पे लगाएंगे। उसके बाद चेस्ट जो हमने बताया था 20.5 इंच तैयार है, तो 10.25 इंच लगाएंगे। चेस्ट का मतलब 20.5, और 20.5 को जो हम आधा करेंगे तो 10.25 होगा, तो 10.25 पे हम यहाँ पर निशान लगा देंगे। उसके बाद 18.5 इंच हमने आपको कमर बताई थी, तो 18.5 इंच कमर, यानी 9.25 इंच में हम कमर लगा देते हैं निशान। 21 इंच हमने आपको हिप तैयार बताई थी, तो 21 के आधे 10.5 होते हैं, तो 10.5 इंच हमने ये निशान लगा दिया। ये हमारा 10.5 इंच पे निशान है, वही निशान हम यहाँ पर लगाते हैं, यानी जो निशान ये इधर है और ये निशान मतलब एक जैसा है, तो इस निशान को हम इस पट्टी से सीधा कर देते हैं। और एक्स्ट्रा मार्जिन इतना ही चौड़ा जितनी हमारी फंटी है, इस प्रकार यहाँ से कर देते हैं, जो कि तुरपाई की फोल्ड के लिए होता है। जो आप देख रहे हैं इतना एक्स्ट्रा कपड़ा तुरपाई की फोल्ड के लिए होता है। ये जो निशान है, इस निशान को और इस निशान को हम इससे इस प्रकार सीधा कर देते हैं। ये देखिएगा, ये हमारा फिटिंग का निशान होता है जो कि हम इस फंटी से लगाएंगे। ये देखिएगा, ये हमारा फिटिंग का निशान लग चुका है। यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी रहेगी वो फिटिंग है, ये हमारा फिटिंग का निशान है। उसके बाद जो हमने तीरा 6 इंच लगाया था, यानी 12 इंच तीरा है, तो 6 इंच हमने आधा लगाया हुआ उसका, ये देखिएगा 6 इंच। उसके बाद हम यहाँ पर 6.25 कर देते हैं, मतलब जो हमने यहाँ पर 6 इंच लगाया तो उसके बाद 3 पॉइंट यहाँ पर हम घटा देते हैं। 3 पॉइंट घटाने के बाद क्या करते हैं, इसको इससे सीधा कर देते हैं और यहाँ से इस प्रकार हम गोलाई देते हैं। गोलाई देने का तरीका ये होता है कि हम जो ये कोना देख रहे हैं आप, ये वाला कोना, इस कोने से केवल 1 इंच की दूरी हो और इस प्रकार हम गोलाई दे सकते हैं 1 इंच की दूरी पर। यहाँ से हम नाप लेते हैं 1 इंच की दूरी, उसी प्रकार हम ये करते हैं। और जो देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये कपड़ा देख रहे हैं, इस प्रकार हम कपड़ा एक्स्ट्रा देते हैं, ताकि अगर कभी लूज टाइट करना हो तो कस्टमर हमसे लूज टाइट करवा सकते हैं। तो इस प्रकार हम आपको यहाँ से काट के दिखाते हैं। ये दोस्तों हमारा फ्रंट कट रहा है, इसके बाद हम आपको बैक दिखाएंगे किस प्रकार बैक कटती है। बैक के भी काटने का तरीका होता है, वो हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से बैक कटती है। ये हमारा फ्रंट कट गया है। और ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम कुटका लगा देते हैं, यहाँ से हमारे चाक खुलेंगे और एक कुटका हम यहाँ पर लगा देते हैं, जो कि चेस्ट पर हमारा तैयार रहता है। और इस दोस्तों, ये जो निशान देख रहे हैं आप, यहाँ जो हमारा फिटिंग का निशान है, इस फिटिंग के निशान को हम इस फंटी से सीधा करते हैं। देखिएगा, इस फंटी में हल्की सी गोलाई है, इसको यहाँ से हम गोल करने के लिए इस प्रकार ऐसे रखते हैं और दूसरी इसी प्रकार यहाँ से हम रखते हैं। ये हमारा फिटिंग का निशान अच्छी तरीके से लग जाता है। अब देखिएगा दोस्तों, हम आपको बैक काट के दिखाएंगे। ये हमने बैक का कपड़ा बिछा रखा है और इस प्रकार यहाँ से हम, जैसे कि हमने फ्रंट काटा है, और ये बैक के ऊपर बिछा देते हैं। तो आप ये देखिएगा, इस प्रकार हम इसको ऊपर से बिछा देते हैं।
ये यहाँ पर हम मिला लेते हैं ताकि हमारा आगे पीछे ना हो कपड़ा। बैक काटने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कपड़े को हम देखते हैं कि हमारा कपड़ा आगे पीछे तो नहीं है। दोस्तों सबसे पहले हम कपड़े को बिछाते हैं तो ये देख लेते हैं कि हमारा कपड़ा आगे पीछे तो नहीं है। और 41 इंच लंबाई हमें तैयार देनी है, जो कि तैयार ये देखिएगा 41 इंच। अभी तो हमारे जो फ्रंट काटा हुआ है हमने, वो पूरा हमने 41.5 इंच लंबाई में काट रखा है। और अब हम बैक को इसी प्रकार बैक को भी काटेंगे। तो बैक हम ऊपर करते हैं इस प्रकार, हल्का हल्का मिला लेते हैं। यहाँ पर हमारा बिल्कुल एकदम सेंटर मिला होना चाहिए। और जो कि ये हमारी लेस है जो कि इसके ऊपर लगी हुई है, तो आप देख रहे हैं ये हमारा 41 इंच लेंथ हमने तैयार कर रखी है। तो यहाँ पर जो है ये हम निशान को इस प्रकार सीधा कर देते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं इतना कपड़ा, ये हमारी तुरपाई की फोल्ड के लिए है जो कि अंदर जाएगा। यानी हम ये हमारा सामने तो फ्रंट तैयार है लेस के द्वारा। इसके बाद जो आप जो देख रहे हैं इतना एक्स्ट्रा मार्जिन, वो अंदर हमारा इस प्रकार फोल्ड में चला जाएगा। ये हमारी लेंथ तैयार हो जाएगी यहाँ से। ये हमारी 41 इंच सूट की लेंथ तैयार हो जाती है यहाँ से। तो इसको हम सीधा कर देते हैं, जो कि हमने आपको ऑप्शन दिखाया था खाली। तो ये हमारा ऑप्शन है, यहाँ पर हम इसको इस प्रकार रख देते हैं। ये हमारी लेंथ यहीं से तैयार होती है। तो अब हम बैक काटने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखिएगा चाक से इस प्रकार यहाँ से इसको सीधा कर देते हैं। और ये जो आप जो देख रहे हैं गड्ढा, इसको हम 1-1 इंच की दूरी पर रखते हैं और यहाँ आकर मिला देते हैं। यानी हम यहाँ से इतना दूरी बना कर रखते हैं। कभी भी हम बैक काटेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि इतना दूरी हमारी बैक के अंदर रहनी चाहिए। तो इस प्रकार हम यहाँ से कैंची से काटते हैं, देखिएगा। कभी भी आप अगर सूट काटेंगे तो इसी प्रकार सूट काटना, कभी भी आपकी सूट की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी हमेशा। यहाँ से हम जितना हमने ये काट रखा है इसको भी इसी प्रकार काटेंगे। यहाँ से हम इसको जो एक्स्ट्रा है आप काट देते हैं और यहाँ पर हम कुटका लगा देते हैं, जो कि हमारा यहाँ से सूट की लाइन तैयार होगी। और यहाँ पर ये कट लगा देते हैं, ये हमारा चाक का निशान है, यहाँ पर चाक खुलेगा। और ये देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम ये भी कट लगा देते हैं। अच्छा, ब्रॉड जो देखेंगे हम गले का, ब्रॉड जो रखते हैं 12 इंच, जैसे हमने तीरा रखा हुआ है ये, तो ये हमारा 12 इंच तीरे के गले का जो हम ब्रॉड रखेंगे वो 6 इंच ब्रॉड रहता है। यानी 6 का आधा जो होता है वो 3 होता है। तो यहाँ पर हम ब्रॉडिंग का निशान पहले लगा देते हैं। देखिएगा दोस्तों, हमने ब्रॉड का निशान लगा दिया है, 3 × 2 = 6 होता है। तो यहाँ पर हम ब्रॉड का निशान इस प्रकार ये लगा देते हैं। इसमें हम आपको डिज़ाइन वाला गला दिखाएंगे, किस प्रकार डिज़ाइन का गला बनता है। डिज़ाइन में हम स्टिचिंग दिखाएंगे, तभी हम आपको डिज़ाइन दिखाएंगे। ये हमारे गले के आगे लगेगा, जो कि हम आपको डिज़ाइन में बना के दिखाएंगे। अभी हम इसके बाजू काट के दिखाएंगे आपको। देखिएगा दोस्तों, अब हम बाजू काट के दिखाएंगे। बाजू के लिए हमारा ये कपड़ा है, तो बाजू के लिए सबसे पहले हम इस कपड़े को डबल फोल्ड कर देते हैं। और इस प्रकार हम अपने पास को इस तरीके से इसको फोल्ड कर देते हैं और यहाँ से प्रेस से हम इसको मोड़ देते हैं। तो बाजू के हम सबसे पहले निशान लगाएंगे तुरपाई की फोल्ड के लिए, जो निशान रहता है इतना निशान हमारी तुरपाई की फोल्ड के लिए है, जो कि यहाँ से हमारी बाजू तैयार हो जाएगी इस प्रकार। तो बाजू जैसे हमने आपको बताई थी 6 इंच बाजू है और बाजू की मोरी 11 इंच। 6 इंच बाजू में 6.5 इंच रखेंगे, आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और इस प्रकार यहाँ से गोलाई इस प्रकार दे देंगे। ये हमारी गोलाई, ये हम बाजू यहाँ से इस तरीके से काट देते हैं। और यहाँ पर ये हमारी बाजू कट गई। बाजू पे हम सबसे पहले यहाँ पर 20 सेंटर का कुटका दे देते हैं, बाकी हम बाजू की मोरी कर देते हैं 12.5 इंच। ये हमारी बाजू की मोरी है और बाकी जो हमने 6.5 इंच काटा था, मतलब सूट का आरमोल जो काटा था 6.5 इंच, तो इसमें हम 8.5 इंच यहाँ इसका दे देते हैं आरमोल, 6.5 + 8.5। तो ये हमारे बाजू का आरमोल हो गया। और इस प्रकार देखिएगा दोस्तों, इसको हम बाजू को जैसे हमने कटिंग की है तो इसको खोल के आधा आधा इंच लगभग इस तरीके से ये हम इतना पीस हम निकाल देते हैं। देखिएगा दोस्तों, इतना पीस हमने ये निकाल दिया है। और जो कि इस प्रकार ये हमारा जो गड्ढा है वो आगे की तरफ आएगा, यहाँ पर बगल की जो साइड होती है, बगल की तरफ जो हमारा ये गड्ढा है वो बगल की तरफ आता है। तो इसको जब हम बाजू चढ़ाएंगे तो इसी प्रकार ये आगे की तरफ आता है। तो यहाँ पर आप तुरपाई की फोल्ड कर निशान लगा देते हैं। ये हमारे सिंपल सूट की कटिंग ओके हो चुकी है। अब हम आपको पार्ट 2 में हम आपको दिखाएंगे डिज़ाइन।